हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंबिका ब्यूटी। मैं हूं आरती। आज मैं आप लोगों को फेस पे चारकोल मास्क लगाना बताऊंगी कि चारकोल मास्क कैसे लगाते हैं। डर लगता है, कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है हमें चारकोल मास्क लगाने से तो नहीं होता है, उसको निकालने से होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से लगाओगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इससे दर्द इसलिए होता है कि आप उसको उल्टी दिशा में खींचते हो। अगर आपके बालों फेस पे छोटे छोटे बाल हैं, आपको उसको नहीं हटाना है। कुछ लोग लगाते हैं कि वो बाल हट जाए, इसलिए उल्टी दिशा में खींचते हैं। अगर आपको उन बालों को नहीं हटाना है, आप नहीं हटाना चाह रहे हो, सिर्फ क्लीन करना चाह रहे हो फेस को, तो आप उसको उल्टी दिशा में ना खींचो। जैसे लगाओ बिल्कुल वैसे ही हटाओ। और कैसे खींचने से दर्द नहीं होता, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लगाने से पहले अपने फेस को क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए मैं अपने फेस पे क्लींजिंग मिल्क यूज कर रही हूँ, VLCC का। इससे पहले अपना मैं फेस क्लीन करूंगी, देखो से पहले अपना फेस क्लीन करूंगी। फेस क्लीन करने के बाद देखो ऐसे लगाते हैं फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा लिक्विड होता है क्रीम फॉर्म में। ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे अपने फेस पे। ऐसा नहीं करना कि कहीं से भी आओ बस फेस चारकोल मास्क लगाना है तो आप लगा लो डायरेक्ट फेस पे, नहीं। पहले फेस को अगर आप क्लीन करके लगाओगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। उसके बाद फेस पे स्क्रब करूंगी, नेचर्स का फ्रूट स्क्रब करने जा रही हूँ। क्लीन करेंगे अपने फेस को स्क्रब करके। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्क्रब में से, बहुत अच्छा स्क्रब है, कंपनी बहुत अच्छी है नेचर्स की। देखो नोज़ भी थोड़ा अच्छे से स्क्रब करेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कुछ भी होता है तो वो निकल जाता है। आपको चारकोल मास्क लगा के बताती हूँ। देखो चारकोल मास्क है, ये है। कैसे लगाएंगे, पैर कभी लगाते समय मैं बोल ले रही हूँ फ्रेंड्स, पैर लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि बहुत खींचता है। पैर लगाने का डायरेक्शन देखो, ऐसे ही लगाना है और ऐसे ही उखाड़ना। अगर आप इसको इधर से उखाड़ोगे तो पेन जरूर होगा। बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वो बाल उखड़ जाते हैं। आप जिस तरह से लगा रहे हो इसी तरह से अगर आप उखाड़ोगे तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर आपने जरा सा भी हाथ उल्टा किया वहीं बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, वहीं दर्द होता है। अगर आपको छोटे छोटे बाल है वो हटाना है तो आप उल्टा खींच सकते हो, बट अगर बाल नहीं हटाना है आपको बस टैन रिमूव करना है तो आप बिल्कुल मत उल्टा चलाना। मैंने ये कभी नहीं लगाया है, पहली बार लगा रही हूँ। एक बार बस थोड़ा सा ट्राई किया था हेड पे लगा के, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। कर सकते हो ट्राई, मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे इसकी जरूरत है। इसको ऑयली स्किन पे लगाते हैं कि ब्लैक हेड्स होता है ना व्हाइट हेड्स होता है तो बहुत जल्दी रिमूव होता है। इससे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है ना, ड्राई है ना ऑयली है, मिक्स स्किन है। इसको सूखने का वेट करूंगी, थोड़ा टाइम लगता है इसको सूखने में। ये एक ऐसा पैक है जिसको हम पूरा सुखा के हटाएंगे। चारकोल मास्क हो गया, पील ऑफ मास्क हो गया, इसको पूरा सुखाने के बाद ही हटाते हैं। पूरा कि नहीं हट रहा है तो आप देखो कैसे खींच रहा है। ये सूख गया जहाँ से वहाँ, थोड़ा स्किन के ऊपर हाथ रख के तब खींचेंगे। देखो ये आधा सूखा है आधा नहीं सूखा है। तो आप देखो इसमें छोटे छोटे बाल, बिल्कुल जो हल्के बाल होते हैं ना वो भी आ गए हैं। तो हल्का पेन है इसमें, मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें पेन नहीं है, बट हाँ हल्का पेन है। देखो इतनी दूर से हटा दिया है मैंने, फेस क्लीन लग रहा है मुझे। और ये नाक के पास भी अभी ये सूख गया है, तो यहाँ जहाँ ये सूख गया वहाँ से बहुत आराम से हट जाएगा, जहाँ पे नहीं सूखा है वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। फ्रेंड्स आप देखो मैं इसको कैसे ट्राई कर रही हूँ हटाने का, जहाँ से सूख गया वहाँ से हट रहा है। और कैसे हट रहा है देखो, ये आराम से हट रहा है, पूरा सूखा नहीं है अभी ये। मैं इसको जल्दी हटा रही हूँ, देखो ये पन्नी की तरह बिल्कुल उखड़ रहा है। जहाँ से एकदम सूख गया है अच्छे से वहाँ बिल्कुल पन्नी की तरह उखड़ रहा है, और जहाँ पर नहीं सूखा होगा वहाँ पर ये हटेगा नहीं, पैक की तरह हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अभी सूखा नहीं है, देखो कैसे हट ही नहीं रहा है। ये यहाँ नहीं सूखा है, वहाँ नहीं हटेगा ये। तो आप इसको सुखा के पूरा ट्राई करके हटो, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि सूखने पे हटाओगे तो कैसे हटेगा और नहीं सूखने पे हटाओगे तो कैसे हटेगा। ऐसा सबके साथ होता है जो इसको पहली बार लगाता है,
तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ दिखा रही हूँ, बिना सुखाए भी हटा रही हूँ और सुखा के हटा रही हूँ। मैं 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। देखो ये 10 मिनट बाद इधर सूख गया है, काफ़ी मोटी लेयर लगाई थी मैंने, देखो। तो आप इसको ऐसे आराम से हटा के ट्राई कर सकते हो। मैं अभी पूरा हटा के आपको दिखाती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा हटा के दिखाऊँगी आपको, तो आप समझ जाओगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो फ्रेंड्स आप ये देखो, मैंने पूरा चारकोल मास्क हटा लिया है, इसके बाद का ये रिजल्ट है। मेरी स्किन थोड़ी रेड हो रही है और यहाँ पे ड्राइनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। रेड इसलिए हो रही है कि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ी तेज़ धूप लगती है तो भी स्किन रेड होती है, बहुत ठंड होती है तो भी मेरी स्किन रेड हो जाती है। मैं कुछ भी फेस पर लगाती हूँ तो मेरी स्किन रेड हो जाती है, बट कुछ सेकेंड कुछ मिनट बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। रेड की वजह से मुझे डर नहीं लगता, तो आप भी मत डरना क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है। और हाँ भैया, इसमें दर्द है, मैं ये नहीं कह सकती दर्द नहीं है, चाहे उल्टा खींचो चाहे सीधा खींचो, दर्द तो इसमें है, बहुत कम है। आप ट्राई कर सकते हो, इतना नहीं कि आप बिल्कुल लगाओ मत, हाँ, लेकिन स्किन बहुत अच्छा डीप क्लीन कर देता है। आप देख सकते हो एकदम फेस मेरा क्लीन हो गया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी क्योंकि मैं सर्दी का मौसम है, स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, ऐसे बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ सकती, तो बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। आप देखो मैं मॉइस्चराइज़र कैसे लगाती हूँ, स्किन के अंदर हमें मॉइस्चराइज़र को पेनिट्रेट करना होता है, डैब डैब करके लगाऊँगी। तो आप देखो ऐसे ट्राई कर सकते हो, डब 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 करके लगाओगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारे कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर आपको और भी कुछ सीखना है, कुछ जानना चाहते हो मुझसे जो मैं बता सकूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो आप देखो मैं कैसे डैब डैब करके लगा सकती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। देखो ऐसे डैब डैब करके लगाते हैं, जो रेड हो रहा है ये 5 मिनट में सही हो जाएगा। तो मैं अगर आईब्रो बनवाती हूँ तब भी मेरी स्किन रेड हो जाती है, तो आप टेंशन मत लेना। देखो, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड लव यू।